हेलो दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा बारह भौतिक विज्ञान का लास्ट चैप्टर का आज की हेडिंग होगी एनओटी गेट के बारे में लॉजिंग गेट पढ़ाया जा रहा है तो पहला हम लोग देखते हैं एनओटी गेट एनओ गेट होता क्या है देखें यह गेट जो है सर्वाधिक मूलभूत गेट है एनओ गेट जो है यह एक मूलभूत गेट है जिसमें केवल एक निवेश होता है तथा एक निर्गत होता है एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है तो एनओटी गेट जो है ये सर्वाधिक मूलभूत गेट है जिसमें केवल एक निवेश तथा एक निर्गत होता है यदि हम निवेश जीरो हो तो एक निर्गत उत्पन्न करता है यह यदि निवेश जीरो हो तो निर्गत क्या होगा एक होगा और यदि निवेश वन हो तो निर्गत जीरो उत्पन्न करता है अर्थात यह किसी निवेश का अपने निर्गत पर व्यूत्क्रमित रूपांतरण उत्पन्न करता है यह किसी निवेश का अपने निर्गत पर व्यूत्क्रमित रूपांतर उत्पन्न करता है जीरो को वन में बदलता है और वन को जीरो में यही कारण है इसे उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहा जाता है इसे उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहते हैं चित्र देखें यहाँ पर एनोटी गेट का यह तर्क प्रतीक है एनोटी गेट को कैसे आप सिंबल के रूप में प्रकट करेंगे तो इस तरह से आपको एक पी बनाना होगा पी और यह आपका यह सर्किल बनाना होगा ए वाई ए से आपको निवेश देना है और वाई क्या है निर्गत है तो यह जो सिंबल आप देख रहे हैं यह एक प्रतीक है जो गेट का प्रतीक है तो इस द्वार का व्यापक रूप से उपयोग होने वाला प्रतीक आप देख रहे हैं गेट का और यह उसकी सत्यता साड़ी है एनोटी गेट का सत्यमान साड़ी यह है इसमें आप देखें निवेश को ए से निर्गत को निवेश को ए से और निर्गत को वाई से प्रस्तुत किया गया है यदि निवेश जीरो है तो निर्गत वन होगा और यदि निवेश वन है तो निर्गत जीरो होगा यह इसकी सत्यमान साड़ी है सत्यमान साड़ी में निवेश अगर आप जीरो लेते हैं तो निर्गत वन हो जाएगा निवेश अगर वन लेते हैं तो निर्गत जीरो हो जाएगा ठीक है तो एन गेट क्या है एक सर्वाधिक मूलभूत गेट है जिसमें केवल एक निवेश तथा एक निर्गत होता है यह यदि निवेश जीरो है तो वन निर्गत उत्पन्न करता है तथा यदि निवेश वन हो तो जीरो निर्गत उत्पन्न करता है अर्थात यह किसी निवेश का अपने निर्गत पर व्युत्क्रमित रूपांतर उत्पन्न करता है जीरो का वन और वन का जीरो अर्थात यह किसी निवेश का अपने निर्गत पर व्यूत्क्रमित रूपांतर उत्पन्न करता है इसीलिए इसे उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहते हैं इसका तर्क प्रतीक सिंबल यह है गेट का प्रतीक सिंबल यह है इसे बनाते हैं और इसकी सत्यमान साड़ी आपकी यह है जिसमें निवेश ए है और निर्गत वाई है निवेश जीरो है तो निर्गत वन होगा और निवेश वन है तो निर्गत जीरो होगा